नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की ट्रेंडिंग न्यूज सीरीज में, जहां मैं आपको देश और दुनिया की जरूरी खबरों से रूबरू कराती हूं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रोचक होने वाला है। आपने आज के दौर में किसी भी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि सरकार के अलग अलग विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारी रिक्तियां हैं, फिर भी सरकार भर्ती नहीं निकालती। ऐसे में बच्चा चाहता है कि कोई ना कोई दबाव तंत्र सामने आए जो सरकार पर दबाव डाले। कई बार बच्चा कोर्ट तक पहुंच जाता है गुहार लेके कि सरकार से कहिए कि भर्तियां निकाले, ताकि हमारा अनुच्छेद 21 के तहत आने वाला मौलिक अधिकार कि हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है और आजीविका कमाने का अधिकार है, वो बहाल हो सके। क्योंकि जब जॉब होंगी तभी कोई व्यक्ति आजीविका कमा पाएगा और तभी एक सम्माननीय जीवन जी पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी द हिंदू में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट के एक बयान से। बयान क्या था उस पर जरा गौर फरमाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट साइट्स ऑन नेम्स सुप्रीम कोर्ट। सीन क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने कॉलेजियम के माध्यम से 70 नामों की एक लिस्ट सरकार के पास भेजी थी कि आप इन नामों की लिस्ट पर साइन कीजिए, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये जो युवा प्रतिभाशाली लोग हैं उनकी जजेस के तौर पर नियुक्ति हो सके। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉलेजियम होता क्या है, क्योंकि संभवतः आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा। तो कॉलेजियम आप ऐसे समझ लीजिए कि जजेस का एक संगठन है जो कि यह डिसाइड करता है कि कौन से जजेस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाए जाएंगे, या कहीं पे भी किसी भी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किस जज की ट्रांसफर होगी, यह भी कॉलेजियम के माध्यम से ही डिसीजन लिया जाता है। इसमें सरकार की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि कॉलेजियम अपनी तरफ से जिन नामों की लिस्ट भेजती है या जिन ट्रांसफर की सिफारिश भेजती है, सरकार को उन्हें देखकर उन पर साइन करना होता है। सरकार उसमें देखती क्या है, सिर्फ ये देखती है नियुक्ति के समय कि कहीं इन जजेस के खिलाफ देशद्रोह या भ्रष्टाचार के मामले पहले से संज्ञान में तो नहीं है। अब ऐसे ही 70 नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के माध्यम से 10 महीने पहले पहुंचाई थी। ये 70 नाम उन युवा प्रतिभाओं के थे जिन्हें लॉ की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि अगर वो कोर्ट्स में एज अ जज काम करते तो काफी फायदा होता। लेकिन क्योंकि 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो इंतजार करने के बाद इन नामों ने, यानी इन 70 युवा प्रतिभाओं ने, इन बच्चों ने अपने नाम वापस ले लिए और ये अब किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का ये जो डिले था, इसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करी है सुप्रीम कोर्ट के सामने और जुडिशरी पूरे सिस्टम के सामने। अब आपको एक बहुत खास खबर बताती हूं, एक बहुत खास आंकड़ा आपको जानना चाहिए। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार ये कहते रहे हैं कि हमारे यहां जजेस अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि जजेस बहुत कम हैं और केसेस बहुत पेंडिंग हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देती हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां जजेस की संख्या 98 है और 1,000,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, यानी एक जज के हिसाब से 10,000 से ऊपर केसेस एक जज के खाते में आते हैं। जरा गौर फरमाएं तो हाई कोर्ट में 25 हाई कोर्ट हैं और यहां पर जजेस की जो सेंशन होने की स्ट्रेंथ है वो है 1,114, लेकिन आज कितने जजेस हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, केवल 774, और 340 के करीब वैकेंसीज हाई कोर्ट में जजेस की ही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 34 सीट होती हैं। इनमें से इस समय वर्तमान में फिलहाल केवल और केवल 32 जजेस काम कर रहे हैं, यानी 2 का अभी भी वैकेंसी रिक्त स्थान है। आपको एक चीज बता दूं कि हाई कोर्ट में काफी सारे 60,000 से भी ऊपर पेंडिंग केसेस हैं और ऐसी सिचुएशन में ये केसेस एक साल के अंदर कई और भी बढ़ जाते हैं। आपने जजेस को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि हम ओवरबर्डन हैं और हम दिन रात यानी सैटरडे और संडे में भी काम करते हैं, फाइलें घर लेकर जाते हैं ताकि केसेस की स्टडी ढंग से कर सकें, और दूसरे दिन जब हम जजमेंट के लिए बैठते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार
तारीख जानबूझकर वकीलों के माध्यम से ले ली जाती है। तो और आप भी जानते हैं इस बात को कि जुडिशियल सिस्टम काफी लंबा भी है, ये जुडिशियल प्रोसेस लंबी है ताकि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले और हर व्यक्ति को न्याय मिले। तो न्याय चुटकियों में नहीं मिलता, इसमें काफी लंबा वक्त लगता है। लेकिन अगर ऐसे में हमारे जजेज ही कम होंगे तो फिर ऐसे में तो संख्या पेंडिंग केसेस की बढ़नी ही बढ़नी है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं कहलाता, ये उक्ति सही साबित होती दिखाई देगी। तो यहां पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जहां बहुत जरूरी है किसी भी देश में न्यायपालिका का सुदृढ़ होना और अपनी कार्यवाही में सटीक होना, वहां इस तरीके से वैकेंसीज का खाली होना और साथ ही साथ ट्रांसफर केसेस पे संजीदगी न दिखाना बहुत ही असंवेदनशील दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जहां संवेदनशील एरिया है वहां पर भी जजेस के ट्रांसफर की फाइलें अभी तक सरकार ने रोक रखी हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर के जज के तौर पर, हाई कोर्ट के जज के तौर पर ट्रांसफर करने का प्रपोजल दिया गया था। आप जानते हैं मणिपुर में इस समय हालात काफी गंभीर हैं, लेकिन सरकार ने उस बहुत ही संवेदनशील मामले पर भी इतनी देरी बरती हुई है। अगर आप ओवरऑल सभी केसेस को स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि देश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो यहां सरकार की बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिलती है। जहां एक और विद्यार्थी परेशान है तो वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका तक में रिक्तियां इतनी हैं कि जजेस भी परेशान हैं। तो मैं गार्गी सारस्वत आपसे फिर मिलूंगी इसी तरीके के नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। रूबरू रहें, जानकार रहें। धन्यवाद।